कैबिनेट मंत्री अनिल विज के इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बयान पर राज्यसभा सांसद शादी लाल बत्रा ने पलटवार किया है। बत्रा का कहना है कि अनिल विज का जो पार्टी में जो कद है उनके मुताबिक उनको जिम्मेवारी नहीं मिली है और अब वह इस तरीके कांग्रेस के खिलाफ बयान देकर अपना दर्द छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनिल विज कांग्रेस पर कीचड़ उछालकर खुद को नेता साबित करने में जुटे हुए हैं। हालांकि बत्रा ने कहा कि वे खुद व्यक्तिगत तौर पर इमरजेंसी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन इसके लिए हालात देखने पड़ते हैं। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता रण सिंह मान ने कहा कि अनिल विज बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं। मान ने कहा कि आज भाजपा के शासन में अघोषित इमरजेंसी है और भाजपा के ही नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इसे माना है। इसे मैं इतने कहना चाहूंगा कि शायद अनिल विज को अपने अंदर का दर्द छिपाने के लिए कांग्रेस को तानाशाही कह रहे हैं। जो उनकी पार्टी में उनका स्थान है, उस स्थान को वो अपना कर नहीं सकते, उस स्थान के रहते हुए वो अपना काम पूरा कर नहीं रहे और दूसरे कांग्रेस पे कीचड़ डालकर वो अपना राज करना चाहते हैं और अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में है घोषित इमरजेंसी है और इसकी पुष्टि लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं और सेंटर में मिनिस्टर्स भी हैं उनके अंदर से आज यदि कोई पूछे तो वो जिस बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं वो इमरजेंसी से भी बुरी है। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में हम दावे के साथ कहते हैं कि आज अदना सा भी कांग्रेसी यदि कोई फील्ड में जाएगा तो लोग उसका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जो सरकार है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की वो डपोर संघ साबित हुई। वो बोलती बहुत है, करती कुछ भी नहीं है और यदि करती है तो हमेशा जनविरोधी काम करती है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।